हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे ग्रीन किचन में स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारे वीडियो अपडेट्स आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट वीडियो है। आज हम शेयर करने वाले हैं कई तरह के कॉम्बो रेसिपीज जो कि आपको ईद में हेल्प कर सकते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल बनाएंगे हम मटन बिरयानी। तो इसके लिए हमने लिया है 600 ग्राम मटन और उसमें ऐड किया है सॉल्ट 1 टीस्पून और ऐड करें हैं वाटर आधा ग्लास या आप 1 टी कप वाटर को ऐड कर सकते हैं। और अब हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1/2 टीस्पून और थोड़ा सा लो टू मीडियम फ्लेम रखेंगे और कुकर का लिड जो है बंद कर देंगे और 3 विजल्स मीडियम फ्लेम पर आने तक रुकेंगे। तो यहाँ पे एक यूटेंसिल लेंगे या पॉट लेंगे बिरयानी का और थोड़ा सा लो फ्लेम रखेंगे और ऐड करेंगे ऑयल। 1 टी कप ऑयल दिया है हमने और उसके बाद ऐड करेंगे इलायची, दालचीनी, लौंग और उसके बाद ऐड करेंगे ऑनियन, 3 मीडियम साइज्ड ऑनियन जो कि स्लाइस करके रख लिया था उसे ऐड कर देंगे। और उसके बाद ऐड करेंगे हरी मिर्च, 4 हरी मिर्च लिया है। उसके बाद ऐड करेंगे काजू, 6 काजू या आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं और इन सभी को जो है अच्छे से स्टिर कर लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पॉइंट पर यानी कि 5 मिनट के बाद ऑनियन जो है अच्छे से ब्राउन हो गए हैं। तो चलिए इस पॉइंट पर हम ऐड करेंगे सॉल्ट, 2 टीस्पून ऐड करेंगे और ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टीस्पून और इसको जो है अच्छे से कुक करेंगे ताकि जिंजर गार्लिक पेस्ट में जो स्मेल रहती है वो अच्छे से कुक हो जाए। उसके बाद ऐड करेंगे हरी धनिया के पत्ते, 10 स्ट्रैंड लिए हैं जो कि कट करके रख लिया था उसे ऐड कर देंगे। और उसके बाद ऐड करेंगे पुदीने के पत्ते और थोड़ा सा फ्लेम को जो है मीडियम रखेंगे। और उसके बाद ऐड करेंगे टमाटर, 3 मीडियम साइज टमाटर जो कि बारीक कट करके रख लिया था तो इसे भी ऐड कर देंगे। तो इस पॉइंट पर यहाँ पे साइड पे आप देख सकते हैं हमने मसूरी राइस 600 ग्राम्स लिया है जो कि मीडियम फ्लेम पर हम कुक कर रहे हैं थोड़ा सा पानी ऐड करके। और यहाँ पे हमने ऐड कर रहे हैं ड्राई कोकोनट पेस्ट, 3 टीस्पून ऐड कर रहे हैं और इसे भी अच्छे से कुक कर लेंगे। और उसके बाद हम ऐड करेंगे लेमन जूस, 1 लेमन जूस लिया है जो कि स्क्वीज करके रख लिया था उसे ऐड कर लेंगे। और उसके बाद थोड़ा सा लो फ्लेम रखें और ऐड करें कर्ड, 1 टी कप कर्ड को ऐड किया है, इसे अच्छे से स्टिर कर लेंगे। और ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर, 1.5 टीस्पून ऐड कर लेंगे। आप ज़्यादा तीखा खाना चाहे तो 1 और 1/2 टीस्पून एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिरयानी का मसाला जो है अच्छे से कुक हो गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 विजल मटन में भी आ चुका है और यहाँ पे मटन जो है अच्छे से कुक हो गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मटन जो है अच्छे से गल गया है। तो चलिए इस मटन को जो है पानी के साथ साथ इस पॉट में यानी कि बिरयानी के पॉट में ऐड कर देंगे। और थोड़ा सा मीडियम फ्लेम रखेंगे और लिड लगा देंगे और 5 से 10 मिनट तक लो फ्लेम पर कुक कर लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरी तरफ हमारे मसूरी राइस जो है 15 से 20 मिनट के बाद अच्छे से कुक हो गए हैं। तो चलिए इस राइस को भी हम बिरयानी के पॉट में ऐड कर देंगे। और थोड़ा सा स्टिर कर लेंगे ताकि राइस जो है मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए।
और यहाँ पे हमने ऐड किया है ऑरेंज फूड कलर। यहाँ पे आप चाहे तो थोड़ा सा येलो फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। और लिड लगा देंगे और लो फ्लेम रखेंगे, 10 से 15 मिनट तक मटन बिरयानी को जो है कुक होने देंगे। तो 15 मिनट के बाद यहाँ पे मटन बिरयानी कुक हो गई है। तो थोड़ा सा टेस्ट एनहांस करने के लिए हमने 2 टीस्पून घी ऊपर से ऐड किया है और फिर से लिड लगा देंगे और स्टोव ऑफ कर लेंगे और थोड़ी देर तक ऐसे ही रख लेंगे। तो बस आपकी मटन बिरयानी जो है बिल्कुल बन के रेडी है। दोस्तों आज की रेसिपी है मटन कोरमा रेसिपी। आप इसके इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, तो आप इसे ज़रूर घर पर ट्राई करके देखिए। तो चलिए कुकिंग स्टार्ट करें। यहाँ पर हम लेंगे फ्राइड ऑनियंस 3 मीडियम साइज्ड और रोस्टेड कैश्यूज 15, जो कि हम अच्छे से फाइन पेस्ट में ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइन पेस्ट बिल्कुल रेडी है, तो इसे साइड रख लेंगे। अब यहाँ पर हम लेंगे मटन 1/2 kg। अब हम ऐड करेंगे दही 200 ग्राम। अब हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 छोटी चम्मच। अब हम ऐड करेंगे कोरिएंडर लीव्स पेस्ट 1 छोटी चम्मच। अब हम ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर 3 छोटी चम्मच। ऑलरेडी रेड चिली पाउडर में कोरिएंडर पाउडर भी मिक्स हो चुका है। अगर आप सेपरेट से डालना चाहते हो तो कोरिएंडर पाउडर 1 छोटी चम्मच ऐड कर सकते हैं। अब हम ऐड करें हल्दी 1/2 छोटी चम्मच, जीरा पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, सॉल्ट स्वाद अनुसार। अब हम इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लिड लगा के 30 मिनट्स तक मैरिनेट कर लेंगे। 30 मिनट्स के बाद मटन जो है बिल्कुल अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। तो यहाँ पर हम प्रेशर कुकर लेंगे और ऐड करेंगे ऑयल 4 बड़े चम्मच। अब हम ऐड करेंगे दालचीनी, लौंग और इलायची, सभी मिलाकर 2 पीसेस। अब इन सभी को 1 मिनट तक सॉटे कर लेंगे। और अब हम ऐड करेंगे मटन जो कि ऑलरेडी मैरिनेट कर लिया था। थोड़ा सा हाई फ्लेम रखिए, थोड़ा सा स्टिर कर लेंगे। और अब हम ऐड करेंगे ऑनियन और कैश्यू नट्स का पेस्ट जो हमने पहले में ब्लेंड करके रख लिया था। अब हम ऐड करेंगे लेमन जूस 1 टेबलस्पून। तो इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर 1/2 छोटी चम्मच और मिक्स कर लेंगे। अब हम ऐड करेंगे वाटर 1 कप। अब हम ऐड करेंगे सॉल्ट स्वाद अनुसार या 1/4 छोटी चम्मच। अब हम ऐड करेंगे थोड़े से कोरिएंडर लीव्स। तो अब यहाँ पर ऐड करें वाटर 1 कप। ऑलरेडी आपने देखा होगा हमने पहले भी हमने ऐड किया है वाटर, तो कुल मिलाकर हमने 2 कप वाटर ऐड किया है। तो अब हम लिड बंद करके 3 विजल्स आने तक वेट करेंगे। थोड़ा सा मीडियम फ्लेम रखिए। तो बस 3 विजल्स आने के बाद आपका करी जो है बिल्कुल इस तरह दिखने लगेगा। तो है ना बिल्कुल आसान तरीका। अगर हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रेसिपी ये बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है, तो इस वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखिए। इसके लिए हम बनाएंगे टिक्का मसाला पाउडर। इसके लिए चाहिए होगा भुना हुआ कोरिएंडर सीड्स 9 टीस्पून्स और ड्राई रोस्टेड फेनिग्रीक लीव्स यानी कि कसूरी मेथी 2 टीस्पून और सूखे लाल मिर्च 10 और रोस्टेड क्यूमिन सीड्स यानी कि भुने हुए जीरा 4 टीस्पून और ब्लैक पेपर कॉर्न्स 3 छोटी चम्मच, दालचीनी 2 स्टिक्स और लौंग जो है 10 लेंगे हम, 1 जावित्री, 5 हरी इलायची और 1 बड़ी इलायची लेंगे हम।
तो इन सभी इंग्रेडिएंट्स को एक जार में ऐड कर देंगे। और अब हम ऐड करेंगे चाट मसाला पाउडर 2 छोटी चम्मच और हल्दी पाउडर 1/2 छोटी चम्मच। ऐड करने के बाद अच्छे से फाइन पाउडर में ब्लेंड कर लेंगे। तो बस टिक्का मसाला पाउडर रेडी है। आप रेडीमेड पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट होममेड पाउडर उससे भी ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पर हम लेंगे चिकन 1 kg और ऐड करेंगे दही जो कि अच्छे से फेंट लिया था 100 ग्राम्स। और अब हम ऐड कर रहे हैं लेमन जूस 2 बड़े चम्मच। अब हम ऐड करेंगे टिक्का मसाला पाउडर जो कि हमने घर पर बनाया था 3 छोटी चम्मच। अब हम ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर 1 छोटी चम्मच। अब हम ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर 2 छोटी चम्मच। रेड फूड कलर 2 पिंच ऐड कर देंगे हम। अब हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट 2 छोटी चम्मच। अब हम ऐड करेंगे कोरिएंडर लीव्स और ग्रीन चिलीज का पेस्ट 2 छोटी चम्मच। अब हम ऐड करेंगे सॉल्ट 1 छोटी चम्मच। अब हम ऐड करेंगे ऑयल 3 बड़े चम्मच। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं चिकन जो है अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो चलिए इसे लिड कवर कर देंगे और करीबन 2 घंटों के लिए रेफ्रिजरेटर में रख लेंगे। और 2 घंटों के बाद हम एक पैन लेंगे और मैरिनेटेड चिकन को जो है पैन में प्लेस कर देंगे और करीबन 3 मिनट तक हाई फ्लेम पर कुक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉच टाइम फ्रॉम सब्सक्राइबर्स। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिना सब्सक्राइब किए ही सर्च करके हमारे चैनल को देखते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 मिनट के बाद हम फ्लेम को जो है थोड़ा सा लो कर देंगे और करीबन चिकन को 10 मिनट तक कुक होने देंगे। दस मिनट के बाद हम चिकन को जो है दूसरी तरफ टर्न कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चिकन पर थोड़े थोड़े रेड मार्क्स आ गए हैं। तो दूसरी तरफ भी चिकन को जो है थोड़ा सा रेड कलर आने तक अच्छे से कुक कर लेंगे, यानी कि लिड को कवर करके करीबन 10 मिनट तक मीडियम हीट पर कुक कर लेंगे और साइड रख लेंगे। तो यहाँ पर हम एक कढ़ाई लेंगे और ऐड करेंगे ऑयल 5 बड़े चम्मच और 2 दालचीनी और क्लोव्स 4 यानी कि लौंग और इलायची 5 और हरी मिर्च 3। और अब हम ऐड करेंगे 4 मीडियम साइज्ड ऑनियन। इन ऑनियन को जो है गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो अब हम ऐड करेंगे सॉल्ट 1 छोटी चम्मच, स्वाद अनुसार ले सकते हैं। अब हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 छोटी चम्मच। अब हम ऐड करेंगे कोरिएंडर लीव्स और ग्रीन चिलीज का पेस्ट 2 छोटी चम्मच। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम ऐड करेंगे टमाटर 4 मीडियम साइज टमाटर जो कि इस तरह से कट कर लिया था। अब हम ऐड करेंगे थोड़े से कोरिएंडर लीव्स और मिंट लीव्स यानी कि हरा धनिया और पुदीना के पत्ते। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर 1 छोटी चम्मच। अब हम ऐड करेंगे टिक्का मसाला पाउडर 1 छोटी चम्मच और लिड लगा के करीबन 5 मिनट तक यानी कि टमाटर को जो है सॉफ्ट होने तक कुक कर लेंगे। अब स्टोव को जो है टर्न ऑफ कर लेंगे और दही ऐड करेंगे 5 छोटी चम्मच। इस समय पर दही फटने की संभावना है तो हम स्टोव को ऑफ करके ही दही को ऐड करेंगे। तो दही को अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर से हम फ्लेम को ऑन कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकन जो कि अच्छे से कुक हो चुका है। तो चलिए इसे ऐड कर देंगे हम। और इन मसालों में अच्छे से चिकन को जो है मिक्स कर लेंगे।
चिकन को जो है हम लिड लगा के 6 से 8 मिनट तक कुक करेंगे। 6 से 8 मिनट के बाद हम स्टोव को जो है ऑफ कर लेंगे और यहाँ पर एक वेजल लेंगे और ऐड करेंगे चारकोल और उस पर हम ऐड करेंगे घी 1 छोटी चम्मच, आप देख सकते हैं यहाँ, और करीबन 15 मिनट तक साइड रख लेंगे लिड लगा के। तो यहाँ पर हमने लिया है बासमती चावल 1 kg और पानी में जो है 1 घंटे से भिगो के रखा है, तो इसे साइड रख लेंगे। और यहाँ पर हम लेंगे एक पॉट और ऐड करेंगे 5 लीटर पानी, और हमने लिया है बेलीफ 3 और ग्रीन इलायची यानि कि ग्रीन कार्डमम 3 और लौंग 5 और दालचीनी 1 और फ्रेश कोरिएंडर के और मिंट लीव्स। ऑयल 2 छोटी चम्मच ऐड कर देंगे और हाफ लेमन स्क्वीज करके ऐड कर देंगे। अब हम ऐड करेंगे रॉक सॉल्ट हैंडफुल, आप यहाँ पे आयोडाइज सॉल्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और कवर करके एक बॉईल आने तक रुकेंगे। एक बॉईल आने के बाद अब हम ऐड करेंगे सोक ड्राइज यानी कि भिगे हुए चावल। राइस को जो है ऐड करने के बाद हम करीबन 10 से 12 मिनट तक कुक करेंगे, यानी कि बासमती राइस को जो है 80-90% तक कुक कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बासमती राइस जो है 12 मिनट के बाद अच्छे से कुक हो गए हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए इसे साइड रख देंगे और फिर से एक पॉट लेंगे और यहाँ पर लेयरिंग करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐड करेंगे घी, अब हम ऐड करेंगे 1 लेयर राइस का, अब हम ऐड करेंगे थोड़ा सा चिकन, अब हम फिर से ऐड करेंगे राइस का लेयर, अब हम ऐड करेंगे थोड़ी सी कोरिएंडर लीव्स और पुदीने के पत्ते, अब हम ऐड करेंगे थोड़े से फ्राइड ऑनियन और कैश्यू नट्स, अब हम ऐड करेंगे टिक्का मसाला पाउडर, अब हम ऐड करेंगे फूड कलर जो कि दूध में मिलाकर रख लिया था हमने, अब फिर से हम ऐड करेंगे चिकन और फिर से राइस लेयर, अब फिर से अब हम ऐड करेंगे कोरिएंडर लीव्स और पुदीने के पत्ते और थोड़े से फ्राइड ऑनियन और कैश्यू नट्स, और फिर से फूड कलर, और अब हम ऐड करेंगे चिकन का लेयर। तो इसी तरह से जो है प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे, और फिर से राइस लेयर, और थोड़ा सा चिकन टिक्का मसाला पाउडर और थोड़ा सा घी, थोड़े से फ्राइड ऑनियन पुदीना और हरा धनिया के पत्ते, थोड़े से कैश्यू नट्स और थोड़ा सा येलो फूड कलर जो कि दूध में मिलाकर रख लिया था। अब फिर से हम ऐड करेंगे चिकन, और फिर से राइस लेयर, और यहाँ पे ऐड करेंगे फ्राइड ऑनियन, हरा धनिया और पुदीने के पत्ते, थोड़ा सा कलर, थोड़े से फ्राइड ऑनियन और कैश्यूज, और 4 ग्रीन चिलीज और थोड़ा सा घी।
तो बस लेयरिंग खत्म हो चुका है। तो यहाँ पर हम स्टोव पर तवे को रख देंगे और उस पर जो है बिरयानी की पॉट को रख देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हाई फ्लेम पर 3 मिनट तक कुक करेंगे, उसके बाद हम लो फ्लेम पर बिरयानी को जो है 20 मिनट तक कुक कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 मिनट हो गए हैं तो बिरयानी इस तरह दिखने लगेगी। तो है ना मज़ेदार रेसिपी। तो यहाँ पे हम एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। तो बस चिकन टिक्का बिरयानी जो है रेडी है, आप इसे रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। वाह, बड़ी ही मज़ेदार लग रही है बिरयानी। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कैसे। आज की रेसिपी है शाही टुकड़ा रेसिपी, ये बहुत ही इजी रेसिपी है तो इसे आप ज़रूर ट्राई करके देखिए। तो यहाँ पर हम एक यूटेंसिल लेंगे और ऐड करें है दूध या मिल्क 500 ml। तो इसे स्टोव पर रख लेंगे और एक बॉईल आने तक रुकेंगे। और यहाँ पर दूसरी तरफ हम लेंगे ब्रेड के स्लाइसेस जो कि इस तरह से स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। 6 ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं हमने। तो यहाँ पर ऑलरेडी पैन प्री हीट हो चुका है तो इस पर ब्रेड के स्लाइसेस जो है प्लेस कर देंगे और थोड़ा सा शैलो फ्राई कर देंगे। तो इस पॉइंट पर हम दोनों तरफ यानी कि ब्रेड के स्लाइसेस पर थोड़ा सा घी अप्लाई कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ ब्रेड के स्लाइसेस थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो रहे हैं। तो इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं ब्रेड के स्लाइसेस जो है बिल्कुल अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर में आ चुके हैं। तो चलिए इसे एक प्लेट में ले लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसे भी साइड में रख लेंगे और यहाँ पर दूध जो हमने रखा था वो बॉईल हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दूध में फर्स्ट बॉईल आ चुके हैं। तो चलिए इसमें जो मलाई रहती है उसे साइड्स में रिमूव करते हुए मिल्क में मिक्स कर देंगे। और यहाँ पर हम ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स, बादाम, 15 बादाम लिए हैं हमने जो कि बारीक कट करके रख लिया था। अब हम ऐड करेंगे किशमिश, 15 किशमिश लिए हैं हमने। तो इन सभी को अच्छे से ऐड कर देंगे और थोड़ा सा स्टेर कर लेंगे। अब हम ऐड कर रहे हैं चीनी 3/4 कप। चीनी को डालते समय थोड़ा सा मीडियम फ्लेम रखिए। अब अच्छे से स्टेर कर लीजिए। यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं फूड कलर 1 पिंच। तो इसी तरह से स्टिर कर लेंगे और मिल्क को रबड़ी होने तक यानी कि दूध को जो है हाफ होने तक अच्छे से कुक कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं रबड़ी बिल्कुल बन के रेडी है। तो चलिए रोस्टेड ब्लड स्लाइसेस पर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम फिर से ऐड करेंगे किशमिश और बादाम जो कि बारीक कट करके रख लिया था यानी कि बादाम।
तो बस शाही टुकड़ा जो है बिल्कुल रेडी है। है ना ये बहुत ही आसान, तो ज़रूर घर पर ट्राई करके देखिए और ज़रूर कमेंट करके बताइए। ये बहुत ही डिलीशियस रहती है। अगर हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब। मीठे दम के सेवैयाँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे आप इंग्रेडिएंट्स को नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिल्क यानी कि दूध, शुगर, घी, खोया, कैशनट्स, रेजिन्स और इलायची पाउडर। तो चलिए यहाँ पे हमने वर्मीसेली सेवैयाँ लिया हुआ है। अगर आप मोटी सेवैयों का इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमने बारीक सेवैयों का इस्तेमाल किया है क्योंकि बारीक सेवैयों का मीठा बहुत ही अच्छा रहता है। तो इसे थोड़ा सा ब्रेक करके हम दूसरी तरफ यहाँ पे कढ़ाई ली है और ऐड किया है 5 छोटी चम्मच घी यानी कि 5 टीस्पून ऑफ घी। अब हमने ऐड कर रहे हैं सेवैयाँ जो कि हमने ब्रेक कर लिया था छोटे छोटे पीसेस में, आप देख सकते हैं यहाँ, और इस सेवैयों को अच्छे से रोस्ट कर लीजिए यानी कि सुनहरा कलर आने तक अच्छे से कुक कर लीजिए। आप देख सकते हैं हमारे सेवैयाँ जो है गोल्डन ब्राउन कलर में आ चुके हैं। तो चलिए इसे एक प्लेट में ले लेते हैं। तो इसी तरह से आपको भी पकाना होगा सेवैयों को। अब दूसरी तरफ हमने लिया है एक यूटेंसिल और ऐड किया है 5 टीस्पून ऑफ घी। अब हमने ऐड किया है काजू यानी कि कैशनट्स। अब हमने ऐड किया है रेजिन्स। इसे अच्छे से ब्राउन होने तक घी में अच्छे से कुक कर लीजिए यानी कि गोल्डन ब्राउन आने तक। अब आप देख सकते हैं हमारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो चलिए हम ऐड कर देते हैं मिल्क या दूध। हमने ऐड किया है 750 ml। दूध डालने के बाद आपका फ्लेम जो है हाई पर रखिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ दूध। तो चलिए हम लिड कवर करके दूध में एक बॉईल आने तक 2 से 3 मिनट तक पका लीजिए। आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट के बाद हमारे दूध या मिल्क में उबाल आ चुका है यानी कि बॉईल आ चुका है। तो चलिए बॉईल आने के बाद हम थोड़ा सा फ्लेम को मीडियम कर देंगे और बॉईल आने के बाद हम ऐड करेंगे हमारे सेवैयाँ जो कि हमने रोस्ट करके रखा था। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं वर्मीसेली के सेवैयाँ। सेवैयों को ऐड करने के बाद हमने ऐड किया है शुगर यानी कि चीनी। 800 ग्राम हमने लिया है यानी कि 800 ग्राम्स। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हम ऐड कर रहे हैं कार्डमम पाउडर या इलायची पाउडर 1 टीस्पून हमने लिया है। अब हमने लिया है सूखा खजूर जो कि हमने ग्राइंड कर लिया था। 5 सूखे खजूर यानी कि 5 सूखे खजूर को हमने मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे उसे भी हम ऐड कर रहे हैं यहाँ। इस सभी को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हम ऐड कर रहे हैं ऑरेंज फूड कलर 1.5 टीस्पून हमने ऐड किया है। फूड कलर ऐड करने के बाद हम ऐड कर रहे हैं खोया या कोवा या मावा, हमने ऐड किया है 1/4 kg 1/4 kg। ये कोया जो है हमने घर पर बनाया था यानी होममेड मावा है ये।
तो चलिए हम लिड बंद कर 20 मिनट तक इस सेवियों को कुक कर लेंगे। अब दूसरी तरफ हमने कढ़ाई ली है और ऐड किया है दालचीनी, लौंग और मस्कमेलन यानी कि खरबूजे के सीड्स हमने लिया है 2 टीस्पून, और थोड़ा सा घी ले रहे हैं हम 1 टीस्पून हमने लिया है, और अच्छे से रोस्ट कर लेंगे इन्हें भी। इसमें रोस्ट करने के वक्त थोड़ा सा खरबूजे के सीड्स में से साउंड्स निकलने लगेंगे, तो ये जो है रेडी है। तो चलिए इसको हम हमारे सेवइयों में डाल देंगे। और अच्छे से इनको सेवइयों में मिक्स कर देंगे। अब थोड़े से कैश्यू नट्स के साथ हम इसे गार्निश कर देंगे यानी कि काजू के साथ, और लिड बंद कर 20 मिनट तक पकने देंगे। 20 मिनट के बाद यानी कि 20 मिनट्स के बाद आप देख सकते हैं हमारे सेवइयां अच्छे से रेडी होके गल चुके हैं और पक चुके हैं। तो इसी कंसिस्टेंसी को आप मेंटेन कीजिएगा। तो चलिए हम लिड कवर करके हमारा फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पे हमने सेवियों को एक प्लेट में सर्व कर लिया है और थोड़े कैश्यू नट्स यानी कि काजू के साथ गार्निश कर लिया है। इसी तरह से मीठे दम के सेवियों को घर पर बना के खा सकते हैं। अगर हमारी रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।